हे गाइस वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी ज्ञान सो इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा बिग बैश लीग के प्लेऑफ सिस्टम के बारे में सो so, बेसिकली जो प्लेऑफ सिस्टम है वो फाइव टीम प्लेऑफ सिस्टम है जो कि इंक्लूड हुआ था तो 2019 और 20 सीजन में तो उससे पहले फोर टीम प्ले सिस्टम ही था उसमें सेमीफाइनल वन सेमीफाइनल फाइनल टू एंड फाइनल खेला जाता था तो सेमीफाइनल वन में टीम्स पार्टिसिपेट करती थी टीम नंबर वन एंड टीम नंबर फोर एंड सेमीफाइनल टू में टीम नंबर टू एंड टीम नंबर थ्री जो जीतता था वो फाइनल्स में जाती थी एंड उसके बाद 2019 और 20 सीजन में आया फाइव टीम प्लेऑफ सिस्टम सो बेसिकली देर आर फाइव राउंड्स इन फाइव टीम प्लेऑफ सिस्टम सो द फर्स्ट राउंड इज़ एलिमिनेशन सेकेंड इज क्वालिफायर थर्ड इज़ नॉकआउट राउंड देन फोर्थ इज चैलेंजर एंड द फिफ्थ इज फाइनल राउंड सो जो फर्स्ट राउंड होता है एलिमिनेट एलिमिनेशन राउंड उसमें टीम्स खेलती है टीम नंबर फोर एंड टीम नंबर फाइव अगर जो टीम हारती है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाती है एंड जो सेकेंड टीम है जो जीतती है वो जाती है नॉकआउट राउंड में सो so, जो सेकेंड राउंड है क्वालिफायर वो खेला जाता है टीम नंबर वन एंड टीम नंबर टू के बीच अगर उनमें से कोई भी टीम जीतती है जो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाती है फाइनल्स के लिए एंड जो सेकेंड टीम है वो जाती है चैलेंजर राउंड के अंदर सो so, अब आता है नेक्स्ट राउंड नॉकआउट राउंड नॉकआउट राउंड में ऑलरेडी पहले से थर्ड टीम वेट कर रही होती है एलिमिनेटर uh, राउंड uh, के विनर का सो सपोज एलिमिनेटर राउंड से जो जीता है वो नॉकआउट राउंड में जा चुका है अब नॉकआउट राउंड में होता है एलिमिनेटर वन विनर वर्सेस टेबल थर्ड पोजीशन होल्डर सो उन दोनों में से जो भी जीतता है वो आगे प्रोसीड करता है चैलेंजर राउंड में जो चैलेंजर राउंड है उधर लूजर ऑफ क्वालिफायर वर्सेस विनर ऑफ़ नॉकआउट राउंड खेलते हैं उनमें से जो भी जीतता है वो फाइनल राउंड खेलती है सो उसके बाद फाइनल्स में क्वालिफायर विनर वर्सेस चैलेंजर विनर के बीच में गेम खेला जाता है सो अब देखते हैं कि जो होम ग्राउंड है वो कैसे डिसाइड होता है अगर इस सीज़न की बात करी जाए तो सिडनी सिक्सर्स और पर्थ की टीम खेलेगी क्वालिफायर राउंड तो अगर उनमें से जो भी टीम जीतती है वो फाइनल में जाएगी और उसका होम ग्राउंड हो जाएगा और जो टीम हारती है वो चैलेंजर में जाएगी उसका ही होम ग्राउंड रहेगा सपोज़ पर्थ की टीम जीतती है और फाइनल्स में जाती है तो उनका होम ग्राउंड पर्थ, पर्थ हो जाएगा एंड सपोज फिर जो टीम हारी सपोज सिडनी सिक्सर्स हारती है तो उनका जो होम ग्राउंड है चैलेंजर में वो ही रहेगा जो फाइव टीम प्ले सिस्टम रखा है बी के जो ऑर्गेनाइजर्स ने वो थोड़ा अजीब लगा अजीब तो नहीं है मतलब सिमिलर है काफ़ी आई जैसे जैसे हम आई में देखोगे तो क्वालिफायर वन टू एंड एलिमिनेटर राउंड होता है सिमिलरली बिग बैश लीग में थोड़ा चेंज किया गया है उसमें फिफ्थ टीम को भी एक मौका दिया जाता है खेलने के लिए और इसमें राउंड्स के नाम थोड़े चेंज कर दिए एक्सेप्ट दी फाइनल अगर आउट ऑफ एट टीम्स हम पांच टीम्स को प्लेऑफ में भेज देते हैं और बाकी चार टीम्स के लिए थ्रेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि फिफ्थ टीम है वो किसी की भी बैंड बजा सकती है और लॉस बाकी फो, फर्स्ट फोर टीम्स का ही होने वाला है इसमें मतलब इसमें अच्छी बात है कि फिफ्थ टीम को भी मौका मिल रहा है मुझे इसमें यह लगता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ टीम्स मोर देन नाइन हो या टेन हो तो फाइव टीम प्ले ऑफ सिस्टम का लॉजिक अच्छा है फिर अदरवाइज़ फोर टीम प्ले ऑफ सिस्टम काफ़ी सही है अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को एंड वीडियो को लाइक like कर देना एंड मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम खुल के डिस्कशन करेंगे और कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना चाहिए थैंक यू